हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक बिल्कुल ही अलग रेसिपी, जो देखने में इडली जैसी लगती है लेकिन ये इडली नहीं है। जो ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो स्टीम वेजिटेबल्स खाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं और चिकनाई से परहेज करते हैं। तो इसमें ना ही कोई चिकनाई है, ना ही कोई मिर्च मसाले एक्स्ट्रा हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले मैंने सारी सब्जियाँ ले ली हैं, उन्हें अच्छे से वॉश करके छील लिया है और उन्हें अब कद्दूकस कर लूँगी। तो ये सबसे पहले मैंने तोरी घिस रही हूँ, उसके बाद लौकी को छील लूँगी, लौकी घिसूँगी। तो इसी तरीके से अपनी सारी सब्जियों को हम घिस कर अच्छे से उसका मिक्सचर बना लेंगे। ये मैं पत्ता गोभी घिस रही हूँ, ये देखिए। आप चाहें तो सब्जियां और सूजी की मात्रा बराबर भी रख सकते हैं, और चाहें तो सूजी ज़्यादा और सब्जियां थोड़ी कम भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे घर में जो फैमिली मेंबर हैं वो स्टीम वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने उसमें सूजी बहुत कम यूज की है। ये देखिए, अब मैंने ये पौन ग्लास सूजी ले ली है। देखिए, अब इस सूजी को मैं एक भगोने में डाल दूँगी। ये मैंने छोटी छोटी बारीक प्याज काट ली है। ये सारी सब्जियाँ मेरी, मिक्सचर बन गया है इनका। ये मैंने 3 नींबू ले लिए हैं। इसमें हमें दही यूज नहीं करनी है, क्योंकि जो डाइट फॉलो करते हैं वो लोग दही से भी परहेज, दूध की बनी चीज़ों का भी परहेज करते हैं। ये पालक धोकर अच्छे से वॉश करके काट लिया है। अब मैं इसमें एक बड़ा बर्तन लेकर उसमें सूजी डाल दूंगी 1 गिलास, उसके बाद उसमें नींबू निचोड़ लूँगी अच्छे से। नींबू डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये हल्का सा फ्लफी भी हो जाती हैं। अब ये मैं इसमें मिक्सचर डाल दूंगी। पहले आपको सूजी डालकर उसमें नींबू और उसमें मिक्सचर ऐड करना है, क्योंकि सब्जियों में से पानी निकलता है, तो पानी आपको सबसे लास्ट में ऐड करना है, उसी हिसाब से देखकर कि पानी की कितने की हमें ज़रूरत है। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले सब्जियाँ डाल दी हैं, ये प्याज मैंने सारा सामान डाल दिया। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च, अगर टेस्ट बढ़ाना है तो उसके लिए हरी मिर्च भी यूज कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है, और आपके पास और सब्जियां हैं कुछ तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके देखेंगे कि हमारे पेस्ट में पानी की कितनी और ज़रूरत है। अब इसमें हम हल्के से मसाले ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। मैंने तो हल्का ही डाला है, हल्का सा गरम मसाला, बस 1 चुटकी, थोड़ी सी हींग। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, तो इसमें अब हम पानी ऐड कर देंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए, क्योंकि सूजी फूलती है तो उसी हिसाब से पानी ऐड कीजिए, क्योंकि सब्जियों का भी पानी निकलता है, तो फिर आपके जब आप इडली स्टैंड में इन्हें डालोगे तो वो पानी नीचे को निकल जाएगा, तो इसलिए पानी बहुत ध्यान से डालना है। अब मैंने कुकर ले लिया है 5 लीटर वाला, उसमें 1 गिलास पानी चढ़ा दूंगी। पानी चढ़ाने के बाद अब ये देखिए, अब हमारा पेस्ट तैयार है। तो इसमें बिल्कुल इडली स्टैंड में डालते टाइम हमें खाने का सोडा ऐड करना है, बिल्कुल इडली उस स्टैंड में पेस्ट डालते टाइम इसे खाने के सोडे को यूज करना है। तो ये मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हमने इडली स्टैंड ले लिया, उसमें थोड़ा सा हल्का सा घी लगाएंगे, हल्की सी चिकनाई, जिससे कि ये आसानी से बाद में छूट जाए। अब ये देखिए, ये पेस्ट को हम इस तरीके से चम्मच से शेप देते हुए अपने इडली स्टैंड में डाल देंगे। अब देखिए, हमारा पानी में उबाल आ गया है, तो हम इसमें अपना इडली स्टैंड धीरे से रख देंगे।
इडली स्टैंड रखते टाइम अपनी घड़ी में टाइम देख लीजिए, इसे कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकाना है। अब मैंने कुकर के ढक्कन की सीटी उतार दी है, तो सीटी उतारने के बाद मैंने इसे ढक दिया। देखिए हमारी हो गई हैं इडलियाँ, तो चेक कर लेते हैं चाकू से। ये चाकू पर नहीं लग रही, इसका मतलब ये पक गई हैं। अब ये मैंने निकाल दिए, ये देखिए आप इन्हें ग्रीन चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।